अच्छा क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राफ़ा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिस्टी, और आपके साथ शेयर करूंगी डेमोंस्ट्रेशन ऑफ लिफ्टिंग फेशियल। ठीक है, क्रिस्टीन के आपको पता है कि चार किट्स हैं फेशियल की। एक वाइटनिंग फेशियल है, वाइट ग्लो सीरीज है पूरी, ठीक है, वाइट ग्लो के नाम से क्रिस्टीन वाइट ग्लो फेशियल, एक्नी फेशियल, हर्बल फेशियल एंड लिफ्टिंग फेशियल। वाइट ग्लो की मैंने बहुत डेमोस किए हैं, मुझे यकीन आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, ट्राई भी किए होंगे। और आप लोगों को कैसा लगा था वाइट ग्लो का रिजल्ट? आप लोगों ने क्लास अटेंड की थी वाइट ग्लो की? अच्छा, हम करेंगे आपके साथ लिफ्टिंग फेशियल। ये भी वाइटनिंग बेस है, लेकिन इसमें हम यूज करेंगे वो चीज़ें जो मेच्योर स्किन के लिए बहुत सूटेबल होती है, एक ड्राई एंड मेच्योर, ठीक है, जिनकी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, जिनकी स्किन में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, ये उनके लिए फेशियल है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है फेस वॉश। फेस वॉश, और इसका नाम है हेल्दी ग्लो विटामिन बूस्टर फेस वॉश। विटामिन बूस्टर फेस वॉश किस लिए होता है? ड्राई एंड मेच्योर स्किन के लिए। ये स्किन को नरिश करता है, काफ़ी हेल्दी करता है, और आपके स्किन में मॉइस्चर पैदा करता है, जो नमी आपके स्किन में ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस पैदा हो या रिंकल्स पर, ठीक है। इसके बाद मैं यूज करूंगी क्लिंजिंग मिल्क, वाइटनिंग क्लिंजिंग मिल्क टू रिमूव डर्ट, पोल्यूशन एंड मेकअप। आजकल आपको पता है कि मेकअप का परमानेंट मेकअप का ट्रेंड काफ़ी इन है, तो सिर्फ फेस वॉश से हमारा मेकअप रिमूव नहीं होता, या हम ऑल डे जैसे प्रोफेशनल लेडीज हैं ऑल डे मेकअप वेयर करती हैं, फिर रात को वो इतना पेनिट्रेट हो जाता है स्किन के अंदर कि वो इजीली सिर्फ फेस वॉश के जरिए पुल आउट नहीं होता। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? क्लिंजिंग मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से हम अपने मेकअप को, पोल्यूशन एंड डर्ट को रिमूव कर सकें। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लेमन क्लिंजर, रिच इन विटामिन सी, ठीक है, लेमन क्लिंजर रिच इन विटामिन सी। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन सी स्किन को कितना बेहतरीन नरिश करता है, फ्रेश करता है, तो इस वजह से हम क्लिंजर में लेमन क्लिंजर यूज़ करते हैं, और ये इतना डीपली क्लिंजिंग देता है कि आप ये हाइपो तक के सारे डर्ट और पोल्यूशन को निकाल बाहर करता है। क्लिंजर के बाद हम ब्लीच, वाइटनिंग ब्लीच को यूज़ करेंगे, क्रिस्टीन वाइट ग्लो वाइटनिंग ब्लीच। अच्छा, इसकी क्या क्वालिटी है? ये वन टोन फेयर भी करता है, डेड स्किन भी रिमूव करता है, और वाइट हेड्स को भी ये रिमूव करता है, ठीक है। और इसकी रेसिपी है कि आपने हाफ टी स्पून वाइट ब्लीच पाउडर लेना है, और वन टी स्पून टैन वॉल्यूम लेना है, और हाफ टी स्पून सूदिंग लोशन ऐड करना है, ठीक है। हम लोग सूदिंग लोशन की जगह पे डर्मा प्रोटेक्टर ऑयल यूज़ करते हैं, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, और उसके बहुत सारे यूज़र हैं, और आप में से भी बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑफकोर्स जानते होंगे, क्योंकि बहुत यूज़ होता है, कि स्किन और हेयर को रिपेयर करता है। अरोमा ऑयल है, रोजमेरी और कैमोमाइल के एक्सट्रैक्ट है, जो वाइटामिन सी के अंदर ब्लेंड हुआ है। मैं इसके 5 to 6 ड्रॉप्स ब्लीच में ऐड करती हूँ इंस्टेड ऑफ सूदिंग लोशन, और फेस पर अप्लाई करती हूँ। ब्लीच का टोटल टाइम 5 से 7 मिनट का है, और फिर हम उसको वाइप ऑफ कर लेते हैं, तो आपका ब्लीच डन हो जाता है। ब्लीच करने के बाद हम यूज़ करते हैं मसाज क्रीम मल्टी वाइटामिन मसाज क्रीम की क्वालिटी क्या है? ये शिया बटर, कोका बटर और बेताशा वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन B3 और अल्फा ब्यूटेन, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ ये प्रिफेयर बेबी क्रीम है, जो स्किन को बेहतरीन नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है, लिफ्ट करती है, फर्म करती है, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फेशियल स्क्रब हनी एंड चॉकलेट। ये आपको पता है कि हनी एंड चॉकलेट पिगमेंटेशन भी ख़त्म करता है, और साथ ही साथ बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है, और बेहतरीन तरीके से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। स्किन पॉलिश हम यूज़ करते हैं ग्रेप्स की, ठीक है, ये भी एंटी एजिंग के लिए ग्रेप्स बहुत अच्छे तरीके से स्किन के लिए ये काम करेगा, बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा ग्रेप्स की स्किन पॉलिश।
लास्ट में हम अप्लाई करेंगे फर्मिंग मास्क। फर्मिंग मास्क स्किन को फर्म करता है, टाइटन करता है, अपलिफ्ट करता है। और ये हमारा टोनर है जो हम इसमें यूज करेंगे, वाइटनिंग टोनर। ये स्किन को फर्म भी करता है, फ्लॉलेस भी करता है और स्पेशली पोर्स को टाइट करता है जो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लिफ्टिंग फेशियल। सबसे पहले मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करूंगी विद हैंड सैनिटाइजर। अगर आप लोग को अगर दिख रहा हो, जो करीब बैठे हुए दिख रहा होगा कि बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स हैं, कलरफुल से ग्रैन्यूल्स हैं, ये वाइटामिन ग्रैन्यूल हैं जो मैश हो जाता है स्किन के ऊपर, इसीलिए इसको वाइटामिन बूस्टर फेस वॉश कहा जाता है। सर्कुलर मोशन में आप देखने फेस वॉश का रिजल्ट
काफी स्किन की फ्रेश लग रही है, नेचर क्लीन लग रही है।